नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्डरिंग के बारे में। कितने टाइप्स के सोल्डरिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम सोल्डरिंग कर सकते हैं और किस किस टाइप की मशीनें यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में पीसीबी सोल्डरिंग के लिए, राइट। तो इस वीडियो में हम ये सारे सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सोल्डरिंग क्या होता है। सोल्डरिंग इज ए प्रोसेस यूज टू ज्वाइंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल बाई यूजिंग द मेल्टिंग सोल्डर। इसका मतलब यह है कि सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल्टिंग सोल्डर के थ्रू परमानेंट जॉइंट बनाते हैं और इलेक्ट्रिकली जॉइंट बनाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मोस्टली तीन टाइप के प्रोसेस होता है सोल्डरिंग करने के लिए। वन इज कॉन्टैक्ट सोल्डिंग, जिसे टिप सोल्डिंग भी बोलते हैं। वन इज कॉन्टैक्ट सोल्डिंग, सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट सोल्डिंग। नॉन कॉन्टैक्ट सोल्डिंग को हम लेजर सोल्डिंग बोलते हैं। और थर्ड थर्ड इज डिप सोल्डिंग, राइट। इन तीनों सोल्डरिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है एक बार ये देखते हैं। कॉन्टैक्ट सोल्डिंग में आता है मैनुअल सोल्डिंग एंड रोबोटिक सोल्डिंग। जो मैनुअल हाथ से सोल्डिंग करते हैं उसे कॉन्टैक्ट सोल्डिंग बोलते हैं। जो रोबोटिक सोल्डरिंग होता है उसे भी कॉन्टैक्ट सोल्डिंग बोलते हैं। सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट सोल्डिंग। नॉन कॉन्टैक्ट सोल्डिंग जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इसमें कोई भी बिट हम पीसीबी से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये एक लेजर सोल्डिंग होता है जिसमें लेजर के थ्रू बिना बिट को कॉन्टैक्ट किए लेजर के थ्रू हम पैड को गर्म करते हैं और फिर सोल्डर अप्लाई करते हैं। तो लेजर सोल्डिंग को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट सोल्डरिंग। थर्ड आता है डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग मीन्स एक सोल्डर पॉट है मेल्ट सोल्डर का, उसमें हम डीप करके सोल्डरिंग करते हैं, राइट। वेव सोल्डिंग और सिलेक्टिव सोल्डिंग, दो मशीनें होती हैं या दो प्रोसेस होता है डीप सोल्डिंग के अंदर। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, फर्स्ट है मैनुअल सोल्डिंग। इसमें एक हाथ में सोल्डिंग आयरन है और दूसरे हाथ में सोल्डर वायर है। तीसरे बोलते हैं मैनुअल सोल्डिंग, जो हाथों से करते हैं। सेकेंड है रोबोटिक सोल्डिंग। रोबोटिक सोल्डिंग में एक टेबल टॉप मशीन होता है, 3 एक्सिस 4 एक्सिस अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इस रोबोट के थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं कि किस किस लोकेशन पे जाना और कितना सोल्डरिंग करना है, सोल्डरिंग करते हैं। इसमें भी क्या होता है कि इसमें आयरन बिट लगा रहता है जिसको गर्म करते हैं और सोल्डर वायर लगा रहता है जिसे फीड करते हैं। तो ये प्रोग्राम होता है कि किस लोकेशन पे जाके आयरन बिट कितना देर तक उसे प्री हीट करेगा या हीट करेगा और कितना में हम सोल्डर अप्लाई करेगा, राइट। तो इसमें भी आयरन बिट है जो कि पीसीबी को टच करता है, इसलिए इसे कॉन्टैक्ट सोल्डिंग बोलते हैं। कॉन्टैक्ट सोल्डिंग में दो हो गया, मैनुअल सोल्डिंग और रोबोटिक सोल्डिंग। तीसरा आता है नॉन कॉन्टैक्ट सोल्डिंग, लेजर सोल्डिंग। लेजर सोल्डिंग में जैसे कि ये आप इमेज में देख रहे हैं, लेजर सोल्डिंग में मशीन के ऊपर एक लेजर लगा होता है जो कि पीसीबी और कंपोनेंट के लेग्स को गर्म करने का काम करता है लेजर। इसमें कोई सोल्डिंग आयरन नहीं होता, तो लेजर के थ्रू हम पैड गर्म करते हैं और फिर सोल्डर अप्लाई करते हैं, तो इसे बोलते हैं लेजर सोल्डिंग। डीप सोल्डिंग में आता है दो मशीनें, सिलेक्टिव सोल्डिंग और वेब सोल्डिंग। तो यह है सिलेक्टिव सोल्डिंग और यह है वेब सोल्डिंग। सिलेक्टिव सोल्डिंग में क्या होता है कि पीसीबी के ऊपर हम पर्टिकुलर लोकेशन पे सिर्फ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सिलेक्टेड एरिया को ही सोल्डरिंग करने के लिए प्रोसेस को सिलेक्टिव सोल्डिंग बोलते हैं। वेब सोल्डिंग में पूरे के पूरी पीसीबी सोल्डर वेब के ऊपर से हमें क्रॉस करना होता है, इसलिए उसे वेब सोल्डिंग बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट मैनुअल सोल्डिंग। मैनुअल सोल्डिंग के बारे में बात करते हैं। एक हाथ में सोल्डिंग आयरन है, दूसरे में सोल्डिंग वायर है, राइट। सोल्डिंग आयरन एक सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म होता है, 350-400 डिग्री। इससे पीसीबी और कंपोनेंट लेग को गर्म करते हैं और देन सोल्डर अप्लाई करते हैं। ये तो हो गया मैनुअल सोल्डिंग। प्रोसेस क्या होता है मैनुअल सोल्डिंग का, प्रोसेस पे बात करते हैं। फर्स्ट हीट कॉपर पैड एंड कंपोनेंट बाई अप्लाइंग द आयरन बिट। इट मीन्स कि जो कंपोनेंट का लेग है और जो पीसीबी है पहले उसे गर्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है कंपोनेंट लेग और पीसीबी के पैड, इसको गर्म करना। सेकंड कंटिन्यू हीटिंग एंड अप्लाई द सोल्डर, उसे कंटिन्यू गर्म करना और फिर उसके ऊपर सोल्डर हमें अप्लाई करना है, राइट। थर्ड रिमूव द आयरन एंड लेट्स कूल डाउन द सोल्डिंग नेचुरली। इट मीन्स कि जब हम सोल्डर अप्लाई कर दिए, सोल्डिंग हो गया, वहां से आयरन हटा लीजिए और उसे नेचुरली ठंडा होने के लिए छोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि उस पर कुछ हम एयर ब्लो करते हैं ठंडा करने के लिए या पानी डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेचुरली ठंडा होने के लिए छोड़िए, तब जाके उसकी सोल्डरबिलिटी अच्छी बनेगी, राइट। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल सोल्डरिंग टाइम शुड बी 3 to 5 सेकेंड। अगर 3 सेकेंड से जल्दी हम मान लीजिए कोई पैड सोल्डिंग कर दिए, सोल्डरिंग तो हो जाएगा बट उसकी सोल्डरबिलिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो कंपोनेंट और पीसीबी का पैड है वो प्रॉपर गर्म नहीं है, और जब तक गर्म नहीं होगा वहाँ सोल्डरिंग सही से पकड़ेगा नहीं, तो उसकी सोल्डरबिलिटी अच्छी नहीं होगी। इसलिए उसको हीट करना, पीसीबी के पैड को हीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैनुअल सोल्डिंग हो या रोबोटिक सोल्डिंग हो। जैसे ये प्रोसेस देखिए, अभी जैसा कि इमेज में प्रोसेस देखिए, पहले बीट से पैड को और लीड को गर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद सोल्डर अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड नंबर में कंप्लीट सोल्डर अप्लाई हो गया, उसके बाद हम बीट हटा देते हैं,
उसको नेचुरली ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये सोल्डिंग प्रोसेस है। नीचे कुछ क्वालिटी वाइज है कि कौन सा गुड सोल्डिंग है, कौन सा बैड सोल्डिंग है। फर्स्ट गुड सोल्डिंग, सेकेंड टू मच सोल्डर, उसमें रिक्वायरमेंट से ज्यादा सोल्डर है इसलिए टू मच सोल्डर। थर्ड नॉट एनफ सोल्डर, जितना रिक्वायरमेंट है उतना सोल्डर ही अप्लाई नहीं किया, तो ये भी एक डिफेक्ट है सोल्डरिंग का, मैनुअल सोल्डरिंग का। फोर्थ कोल्ड सोल्डर, कोल्ड सोल्डर क्या है कि हमने पीसीबी पैड को सही से गर्म नहीं किया और सोल्डर अप्लाई कर दिया, वहां पे सोल्डर तो चला गया बट जो सोल्डरबिलिटी होनी चाहिए, जो ज्वाइंट होनी चाहिए सोल्डर और पीसीबी के बीच में, वो नहीं बन पाया, तो इसे कोल्ड सोल्डर कहते हैं। राइट। टू मच हीट, इट मीन्स कि 5 सेकेंड से ज्यादा, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड हमने वहां बीट को रख दिया, आयरन बीट को, जिससे वो पीसीबी बर्न हो गया, वहां काला काला हो गया पूरे पैड के, तो ये भी बैड सोल्डरिंग है। हमें 5-6 सेकंड से ज्यादा नहीं रखना होता एक पैड के ऊपर। और नेक्स्ट ब्रिजिंग, जब दो लेग्स पास पास में और रिक्वायरमेंट से ज्यादा सोल्डिंग अप्लाई कर देंगे, सोल्डर अप्लाई कर देंगे, तो वहां ब्रिजिंग बन जाता है। तो ये कुछ मैनुअल सोल्डिंग के डिफेक्ट्स थे। अगला बात करते हैं रोबोटिक सोल्डिंग। रोबोटिक सोल्डिंग क्या होता है? ए सोल्डिंग रोबोट इज ए फुली ऑटोमेटिकली सिस्टम दैट परफॉर्म अ डिजाइन टास्क। इट मीन्स कि एक सोल्डिंग रोबोट फुली ऑटोमेटिक मशीन है जो कि डिजाइन टास्क परफॉर्म करता है। इट मीन्स कि जो हमने प्रोग्राम उसमें किया, जो प्रोग्रामिंग किया है, वो प्रोग्राम के थ्रू सोल्डिंग करता है विथ प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी। इट मीन्स कि जो उसकी रिपीटेबिलिटी है काम करने की, मतलब इट मीन्स कि एक पैड पे अगर हमने 10 mm सोल्डर दिया तो हर बार वो 10 mm ही अप्लाई करेगा। मैनुअल सोल्डिंग में गलती हो सकता है, 8 mm या 12 mm अप्लाई कर सकते हैं मैनुअली, बट मशीन जितना हमने सोल्डिंग अप्लाई करने के लिए प्रोग्रामिंग किया उतना ही अप्लाई करता है। जिस लोकेशन पे जितने टाइम के लिए हम हीट करेंगे उतना ही हीट करेगा, ना ओवर हीट करेगा ना लेस हीट करेगा। तो ये रिपीटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है रोबोटिक सोल्डिंग की। और एक बहुत छोटी मशीन है, बहुत ज़्यादा बड़ा मशीन नहीं होता, ये टेबल टॉप मशीन होता है, कहीं भी टेबल पर लगा के सिंगल फेज है, 220 वोल्ट पे इसको हम रन कर सकते हैं। इसका सेकेंड एडवांटेज क्या है? ईच ज्वाइंट मे हैव इट्स ओन सोल्डरिंग प्रोफाइल। इसका मतलब कि हर एक ज्वाइंट, सपोज दैट एक पीसीबी में 10 ज्वाइंट है, 10 ज्वाइंट का अलग अलग सोल्डरिंग प्रोफाइल हो सकता है। इट मीन्स कि ये छोटा पैड है तो यहाँ हम 5 mm सोल्डर दे दिए, कोई बड़ा पैड है वहाँ 10 mm सोल्डर दे दिए, कोई हेवी कंपोनेंट और बड़ा पैड है तो वहाँ थोड़ा सा प्री हीटिंग हम ज़्यादा कर दिए, 2-3 सेकंड ज़्यादा प्री हीट किए, उसके बाद सोल्डर अप्लाई किए। तो जितने भी कंपोनेंट हैं या जितने भी पैड हैं एक पीसीबी पे, सबके लिए हम अलग अलग प्रोफाइल सेट कर सकते हैं सारे ज्वाइंट्स के लिए। राइट। नाइट्रोजन सिस्टम एंड विजन अलाइनमेंट मे ऑल्सो बी एडेड इन दिस रोबोट सोल्डिंग। इट मीन्स कि रोबोटिक में हम नाइट्रोजन सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं। नाइट्रोजन सिस्टम सोल्डरबिलिटी अच्छा करने के लिए, या फिर पीसीबी का अगल बगल ऑक्सीडाइज ना हो उसके लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजन पे एक अलग वीडियो बनाएंगे कंप्लीट। तो नाइट्रोजन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। और विजन सिस्टम, विजन सिस्टम क्या होता है कि सोल्डरिंग करने के बाद ये ऑटोमेटिक जाके उसका एओआई कर ले, इट मीन्स कि उसको जज कर ले कि जो सोल्डरिंग हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं, कहीं ब्रिजिंग तो नहीं है, सोल्डर बॉल तो नहीं है, लेस सोल्डरिंग तो नहीं है समथिंग। तो ये दोनों नाइट्रोजन और विजन सिस्टम ऑप्शनली आता है रोबोट में, हम इसको लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। राइट। आइए एक वीडियो के एक थ्रू सेकंड समझते हैं लीजिए। रोबोटिक सोल्डिंग काम कैसे करता है। एक साइड बीट है, गर्म बीट पहले पैड को गर्म करता है, देन उस पर सोल्डर अप्लाई करते हैं। जो सोल्डर वायर निकल रहा है उसकी भी प्रोग्रामिंग होती है कि किस पैड पे कितने mm सोल्डर वायर अप्लाई करना है। राइट। इसमें दो टाइप की सोल्डिंग होता है रोबोटिक सोल्डिंग में, एक होता है लीनियर सोल्डिंग और दूसरा होता है पॉइंट टू पॉइंट सोल्डिंग। पॉइंट टू पॉइंट सोल्डिंग होता है इस पॉइंट पहले एक जगह किया, दो जगह, 3, 4, 5 ऐसे। लीनियर सोल्डिंग में क्या होता है, एक कनेक्टर है 10 पिन 20 पिन का, एक बार हमने बिट डाउन किया और कंटिन्यू कर दिया, उसे बोलते हैं लीनियर सोल्डिंग। जैसे कि ये देखिए, ये रोबोटिक सोल्डिंग है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट सोल्डिंग कर रहा है। राइट। एक पॉइंट पे जा रहा है, दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तीसरे पॉइंट पे जा रहा है और सोल्डिंग कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट सोल्डिंग। ये देखिए, इसे बोलते हैं लीनियर सोल्डिंग। इट मीन्स कि बिट एक बार डाउन हुआ और लीनियरली सारे लेग्स को सोल्डिंग करने के बाद लीनियर ड्रैग करेगा और सारे लेग को सोल्डिंग करने के बाद देन ऊपर उठेगा वन शॉट, वन गो में, इसे लीनियर सोल्डिंग बोलते हैं। ये कितना प्यारा सोल्डिंग करता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही छोटा मशीन है, मेंटेनेंस फ्री मशीन है, पावर कंजप्शन बहुत कम है इस मशीन का। नेक्स्ट है लेजर सोल्डिंग। जैसे कि रोबोटिक सोल्डिंग में एक साइड आयरन बिट यूज कर रहे थे, यहाँ आयरन बिट की जगह ऊपर लेजर सोर्स लगा हुआ है। ये जो ब्लैक दिख रहा है ये लेजर सोर्स है। तो लेजर सोर्स पैड को गर्म करता है लेजर के थ्रू और देन हम उस पर सोल्डर अप्लाई करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं लेजर सोल्डिंग। इसमें कोई हीटेड आयरन नहीं है। लेजर सोल्डिंग इज ए टेक्निक वेयर प्रिसाइजली फोकस लेजर बीम प्रोवाइडेड एंड कंट्रोल्ड द हीटिंग।
मीन्स कि लेजर सोल्डिंग में एक प्रिसाइज और बहुत ही कंट्रोल्ड लेजर अप्लाई करते हैं पीसीबी को गर्म करने के लिए या पैड को गर्म करने के लिए। इन कॉन्टैक्ट सोल्डिंग हीट इज ट्रांसफर थ्रू ए आयरन बिट, बट इन द लेजर सोल्डिंग हीट इज ट्रांसफर थ्रू ए लेजर बीम, ए प्रिसाइजली लेजर बीम। ये देखिए एक इमेज है, इसमें डिफरेंस दिखाया हुआ है टिप सोल्डिंग और लेजर सोल्डिंग में क्या क्या डिफरेंस है, राइट। इन कॉन्टैक्ट सोल्डिंग द टिप्स ऑन टेम्परेचर इज द अपर लिमिट। इट मीन्स कि कॉन्टैक्ट सोल्डिंग में जो आयरन टिप है उसका एक अपर लिमिट टेम्परेचर होता है। हमने 380 सेट किया हुआ है या 400, मान लीजिए 400 सेट किया हुआ है, तो ये कभी भी 400 डिग्री से ज़्यादा पीसीबी को गर्म नहीं कर सकता है। बट इन लेजर सोल्डिंग हम अगर लेजर को एक ही पैड पे कंटिन्यूअसली 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड के लिए रखें तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये हम अनलिमिटेड टेम्परेचर तक जा सकते हैं, इसमें कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है लेजर सोल्डिंग में। इसलिए जो लेजर सोल्डिंग मशीन होती है इसमें टाइम टाइम का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस पैड पे कितने सेकंड के लिए हमें लेजर अप्लाई करना है। जैसे कि कॉन्टैक्ट सोल्डिंग में हमने बात किया था कि अलग अलग टाइप के हमें बिट यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पीसीबी पैड। जैसा पीसीबी का पैड है छोटा बड़ा, उस टाइप का हमें बिट यूज करना पड़ता है। लेकिन लेजर सोल्डिंग में एक ही लेजर को हम अलग अलग टाइप के फोकस, अलग अलग टाइप के शेप दे सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सोल्डरिंग पैड, जैसा भी हमारा सोल्डरिंग पैड है। इसमें कोई बिट की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता कुछ भी। एक वीडियो के थ्रू समझते हैं लेजर सोल्डिंग काम कैसा करता है। ये देखिए एक साइड रोबोटिक सोल्डिंग हो रहा है, कॉन्टैक्ट सोल्डिंग, और सेकंड साइड लेजर सोल्डिंग हो रहा है। लेजर सोल्डिंग में लेजर ऊपर से आ रहा है और पैड को गर्म कर रहा है, राइट। लेजर सोल्डिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? नो फिजिकली स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस फिजिकली नहीं पड़ता पीसीबी के ऊपर। नो एनी डैमेज एक्यूरेटेड बाई द कॉन्टैक्ट, इट मीन्स कि कोई डैमेज होने का चांस ही नहीं है क्योंकि यहाँ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा किसी बिट का। नो नीड टू प्रेशर कंट्रोल ऑन द पीसीबी एंड दीज ऑल थिंग्स, एंड रिड्यूसिंग कार्बाइड एडेसिव। इट मीन्स कि यहाँ जैसे बिट के ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिट काला काला हो जाता है, उसे हम बीच बीच में साफ करना पड़ता है, इसमें कोई ऐसी चांस ही नहीं होता क्योंकि बिट ही नहीं है। अगर बिट नहीं है तो ना काला होगा ना वहाँ कुछ गंदगी होने का या ऑक्सीडाइज होने का चांस होता है, राइट। ये देखिए लेजर सोल्डिंग से कितना बढ़िया सोल्डिंग हुआ। थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेजर सोल्डिंग, बट एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए अलग अलग टाइप्स के नोजल की रिक्वायरमेंट नहीं होता, हम जो लेजर का डिजाइन है वहीं चेंज कर सकते हैं, सर्कल, ट्रेंगल या फिर स्क्वायर, जो भी हमें चाहिए हम लेजर के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्टिव सोल्डिंग के बारे में। सेलेक्टिव सोल्डिंग क्या होता है? सेलेक्टिव सोल्डिंग इज अ प्रोसेस टू सोल्डर इंडिविजुअल थ्रू होल कंपोनेंट ऑन अ पीसीबी बाई अ सोल्डर फाउंटेन। इट मीन्स कि नीचे से नोजल में एक सोल्डर फाउंटेन निकलता है, नोजल के ऊपर से एक सोल्डर का फाउंटेन निकलता है मेल्ट सोल्डर का, और उसके ऊपर हम पीसीबी प्रोग्राम करते हैं कि किस किस लोकेशन पर हमें पीसीबी सोल्डिंग करना है। ये सिर्फ उसी लोकेशन पर जाकर सोल्डिंग करता है, ये सिलेक्टिव सोल्डिंग होता है। इसका नाम ही है सिलेक्टिव सोल्डिंग, इट मीन्स कि सेलेक्टेड पार्ट पे सिर्फ सोल्डिंग करता है। द मशीन इंक्लूड्स 3 प्रोसेस, फ्लक्सिंग, प्री हीटिंग एंड देन सोल्डिंग। जैसे वेब सोल्डिंग में होता है उसमें भी 3 प्रोसेस होता है, पहले फ्लक्सिंग करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, देन सोल्डिंग करते हैं। सेम प्रोसेस सेलेक्टिव सोल्डिंग में भी होता है, फ्लक्सिंग करते हैं, प्लेटिंग करते हैं, फिर सोल्डरिंग करते हैं। बट डिफरेंस इतना है कि सिलेक्टिव सोल्डिंग में सिर्फ सिलेक्टेड लोकेशन पे ही सोल्डरिंग करते हैं और सिर्फ सिलेक्टेड लोकेशन पे ही फाउंटेन जो नोजल का हीट है वो पहुंचता है। कंपेयर टू द मैनुअल सोल्डिंग दिस प्रोसेस इज फास्ट एंड वेरी एक्यूरेट। ऑब्वियसली सी मैनुअल सोल्डिंग के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और रिपीटेबिलिटी या एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है सोल्डिंग की। मार्केट में मेनली 2 टाइप्स के सिलेक्टिव सोल्डिंग अवेलेबल होते हैं, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है इनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है कि पीसीबी, एक पीसीबी हमने रखा, फिर मशीन के अंदर डाला और स्टार्ट बटन दबाया, तो वन बाय वन हमें पीसीबी डालना पड़ता है और निकालना पड़ता है, ये होता है ऑफलाइन। इनलाइन में क्या होता है कि एक बार हमने पीसीबी लोड कर दिया लोडर में और ऑटोमेटिक वो अप्लाई करेगा, उसमें एक एक पीसीबी अंदर जाता रहेगा, तो ये इनलाइन होता है, राइट। नाइट्रोजन इज कंपल्सरी इन द सेलेक्टिव सोल्डिंग। सेलेक्टिव सोल्डिंग का जो नोजल्स होता है यहाँ हमें नाइट्रोजन कंपल्सरी होता ही होता है, अदरवाइज ये नोजल खराब हो जाएगा। तो जैसा कि रोबोटिक सोल्डिंग में नाइट्रोजन ऑप्शनली था, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन सेलेक्टिव सोल्डिंग में नाइट्रोजन कंपलसरी है, राइट। जैसा कि ये देखिए इमेज में आप देख रहे हैं सेलेक्टिव सोल्डिंग की प्रोसेस, ये एक फर्स्ट इमेज है और एक सेकेंड इमेज है। तो जो सोल्डिंग प्रोसेस होता है 2 टाइप का होता है, एक में क्या होता है कि पीसीबी मूव करता है और नोजल फिक्स होता है। नोजल मान लीजिए यहाँ फिक्स है और यहाँ सोल्डर का फाउंटेन निकल रहा है नोजल के ऊपर और पीसीबी मूव करता है, कभी इस लोकेशन पे गया सोल्डिंग करने, फिर इस लोकेशन पे गया, यहाँ गया, एक्स वाई जेड, ये मूव करता है। जो सेकंड प्रोसेस होता है, जो सेकंड इसका
वर्किंग प्रोसेस है वो है कि पीसीबी फिक्स होता है और नोजल मूव करता है एक्स वाई में, एक्स वाई जेड में, अप डाउन एक्स वाई जेड, जहां भी इसको सोल्डिंग करना है नोजल जाता है, राइट। लेकिन दोनों मशीन में पहले फ्लक्सिंग होता है, प्री हीटिंग होता है, देन सोल्डिंग होता है। तो नॉर्मली जो ऑफलाइन मशीनें होती हैं उसमें पीसीबी मूव करता है और नोजल फिक्स होता है, लेकिन जो इनलाइन मशीनें होती हैं कन्वेयर पे पीसीबी आया, फ्लक्सिंग हुआ, प्रेटिंग हुआ और पीसीबी एक जगह सोल्डिंग स्टेशन पे जाके ऐसे रुक गया, कन्वेयर पे ही ये पीसीबी है और नीचे से नोजल मूव करता है उस टाइम, सोल्डिंग होने के बाद देन ये पीसीबी आगे निकल गया, राइट। तो ये दो टाइप्स के इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। डिफरेंट साइज ऑफ नोजल अवेलेबल इन द सिलेक्टिव सोल्डिंग, सिलेक्टिव सोल्डिंग में भी अलग अलग साइज के छोटे बड़े साइज के नोजल अवेलेबल है, जैसा हमारा पैड होता है या जैसा कनेक्टर की शेप होता है उस अकॉर्डिंग हमें नोजल सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट। एक वीडियो के थ्रू समझते हैं सिलेक्टिव सोल्डिंग कैसे काम करता है, राइट। ये देखिए नीचे नोजल है, ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ है और नीचे से इसमें पीसीबी ड्रैग कर रहा है, इसमें नोजल फिक्स है, पीसीबी ड्रैग कर रहा है। ये देखिए नोजल के ऊपर शोल्डर का फाउंटेन बह रहा है और इसमें प्रोग्राम किया हुआ कि किस किस लोकेशन पे जाके कितने सेकंड के लिए सोल्डिंग करना है। एक और वीडियो देखते हैं सिलेक्टिव सोल्डिंग का। ये देखिए वीडियो में सामने आपको दिख रहा होगा नीचे से कुछ पानी का डॉट मार रहा हो, पानी नहीं फ्लक्स है, फ्लक्स का डॉट माइक्रो ड्रॉप मारता है, राइट, उसे माइक्रो ड्रॉप फ्लक्सिंग बोलते हैं। उसके बाद वो प्रेटिंग के लिए गया, यहाँ प्रेटिंग होता है, इसके बाद ये नोजल है, अब यहाँ सोल्डर होता है, तो ये सोल्डिंग के लिए गया, थर्ड प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वेब सोल्डिंग। वेब सोल्डिंग में भी तीन प्रोसेस होता है जैसा कि हमने बात किया, फ्लक्सिंग, प्रेटिंग और सोल्डरिंग। वेब सोल्डिंग इज ए टेक्निक यूज फॉर लार्ज स्केल पीसीबी असेंबली फॉर फास्टर सोल्डरिंग ऑफ बोर्ड दैट्स यूज आइदर असेंबली कंपोनेंट और मैनुअल कंपोनेंट। इट मीन्स कि जो वेब सोल्डिंग होता है वो सिलेक्टिव सोल्डिंग से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। इट मीन्स कि जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें अगर करना है तो हमें वेब सोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, और वेब सोल्डिंग में हम एसएमटी कंपोनेंट और थ्रू होल कंपोनेंट दोनों सोल्डिंग कर सकते हैं। एसएमटी कंपोनेंट जो ग्लू के थ्रू बनाते हैं, ग्लू लगा के। अब ग्लू लगा के कंपोनेंट कैसे बनता है एक वीडियो में मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर वीडियो चेक करें। तो जो ग्लू के थ्रू कंपोनेंट माउंटिंग करते हैं उसे हम वेब सोल्डिंग में जाकर सोल्डर करते हैं और मैनुअल कंपोनेंट को भी सोल्डिंग करते हैं इसमें, राइट। जैसे कि सेकेंड लाइन है, वेब सोल्डिंग इज अ बल्क सोल्डरिंग प्रोसेस यूज इन द मैनुफैक्चरिंग कंपनी। मैनुफैक्चरिंग कंपनी में जो बल्क सोल्डिंग करने के लिए हम वेब सोल्डिंग का यूज करते हैं। थर्ड लाइन, वेब सोल्डिंग यूज फॉर एसएमटी एंड थ्रू होल कंपोनेंट बोथ, जैसा कि हमने डिस्कस किया। यूज ऑफ नाइट्रोजन इज ऑप्शनली इन दिस मशीन। इट मीन्स कि वेब सोल्डिंग में भी हम नाइट्रोजन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यह हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। जैसे कि नीचे आप प्रोसेस देख रहे हैं, पहले फ्लक्सिंग होता है, फिर प्लेटिंग होता है, देन सोल्डिंग होता है। वेब सोल्डिंग और सिलेक्टिव सोल्डिंग में इतना डिफरेंस है कि वेब सोल्डिंग में एक शोल्डर का वेब निकलते रहता है, कंटिन्यू मेल्ट शोल्डर का वेब निकलता है और इसके ऊपर से पूरी पीसीबी हमें पास करना होता है। लेकिन सिलेक्टिव सोल्डिंग में एक नोजल के ऊपर से वेब निकलता है और सिर्फ हम सिलेक्टेड जगह पे ही वो नोजल ले जाते हैं, राइट। तो किसी किसी मान लीजिए पीसीबी में, तो मान लीजिए किसी किसी पीसीबी में हमने पहले ही बैटरी लगा दिया या फिर कोई टेम्परेचर सेंसिटिव कंपोनेंट लगा दिया, उसको वेब सोल्डिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेब सोल्डिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पूरी की पूरी पीसीबी एक गर्म शोल्डर के ऊपर से पास करता है तो वहाँ बैटरी वगैरह ब्लास्ट होने के चांसेस हैं। उस केस में हम सिलेक्टिव सोल्डिंग यूज करते हैं। सिलेक्टिव सोल्डिंग में सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन पर ही नोजल हीट करता है, हर जगह नहीं करता, राइट। तो ये सोल्डिंग का प्रोसेस है। अब एक वीडियो के थ्रू समझते हैं वेब सोल्डरिंग कैसे काम करता है, राइट। ये देखिए ये फ्लक्सर है, स्प्रे फ्लक्सर, स्प्रे फ्लक्सिंग यूज करते हैं वेब सोल्डरिंग में। तो ये पहले फ्लक्सिंग कर रहा है पीसीबी को, फ्लक्स लगने के बाद ये प्रेटिंग स्टेशन है, यहाँ पीसीबी को प्रेट किया जाता है और देन सोल्डरिंग के लिए पीसीबी जाएगा, राइट। ये देखिए यहाँ शोल्डर फाउंटेन निकल रहा है, मेल्ट शोल्डर का पूरे पॉट पे फाउंटेन जैसा निकल रहा है और इसके ऊपर से पीसीबी क्रॉस करेगा, उसमें जहां जहां कंपोनेंट होगा वहां वहां सोल्डिंग हो जाएगा। एक दूसरे वीडियो से समझते हैं कैसे सोल्डिंग करता है। ये देखिए इसमें फोम फ्लक्सिंग यूज हो रहा है, वेब सोल्डिंग में फोम फ्लक्सिंग यूज होता है और स्प्रे फ्लक्सिंग, तो यहाँ फोम फ्लक्सिंग यूज हो रहा है, नीचे से फोम निकल रहा है फ्लक्स का, फ्लक्सिंग हो गया, उसके बाद प्रेटिंग के लिए गया, प्रेटिंग के बाद सोल्डिंग होगा। ये देखिए ये शोल्डर पॉट है,
नीचे से शोल्डर आया, शोल्डर का एक वेव बन गया और उसके ऊपर से पीसीबी पास कर जाएगा। पीसीबी के ऊपर हमने मैनुअल कंपोनेंट लगाया और पीसीबी ऊपर से पास कर गया। मैनुअल कंपोनेंट का लेग्स और जहां जहां सोल्डिंग कॉपर पैड होगा पीसीबी का, वहां वहां सोल्डर पकड़ लेगा और बाकी मास्किंग की जगह पे कोई सोल्डरिंग नहीं पकड़ता। ये देखिए कितना प्यारा सोल्डिंग हुआ है। तो जहां जहां कंपोनेंट का लेग है सिर्फ वहीं सोल्डर पकड़ा हुआ है, बाकी ग्रीन मास्किंग पे कोई सोल्डर नहीं पकड़ा हुआ है, राइट। और जो भी सिलेक्टिव सोल्डिंग, रोबोटिक सोल्डिंग और वेब सोल्डिंग है, इन तीनों मशीनों पे एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।